इम्पॉसिबल। शिवाय भैया अनेका भाभी की लाइफ कभी जी नहीं सकते। अरे बजट में रहना क्या होता है उन्हें पता ही नहीं, और गरीबी क्या होती है उन्होंने कभी देखी नहीं। अगर इस घर में किसी ने गरीबी देखी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आपने गरीबी देखी है? हाँ मैंने गरीबी देखी। अरे क्या मिलता था मुझे? चिल्लर मिलता था, चिल्लर। पॉकेट मनी के नाम पे चिल्लर देते थे मुझे, 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000। महीने के? अरे पागल हो गए हैं क्या आप? 25,000 रुपए महीने का मर जाता मैं, हफ्ते के 25,000 रुपए मिलते थे। हफ्ते के 25,000 मतलब एक महीने का 1,00,000? कम है ना, पर क्या मैं गुजारा कर लेता था। आपको पता है कि हमारी सैलरी क्या है? 10-12 लाख, पर जैसा आप काम करती हैं 60-70 लाख होनी चाहिए। टैक्स और पीएफ काट के 35,000 रुपए। डेली के? महीने के। क्या? एग्जैक्टली। और आपको 1,00,000 पॉकेट मनी भी कम लग रही है? आपको नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, लोग कैसे थोड़े से पैसों में अपना खर्चा और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हाँ नहीं देखी मैंने गरीबी, नहीं पता मुझे गरीबी क्या होती है, पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ? वैसे पैसे कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप तो चैलेंज मत करना मुझे। हाँ आपको हो क्या गया है? ऑल ओके ना? अब चैलेंज की बात हुई है तो ठीक है, हम चैलेंज करते हैं। हम आपको, आपको 1 हफ्ते के 25,000 कम लग रहे हैं ना, तो आप 1 हफ्ते में 25,000 कमा के दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। 25 करोड़ बोलती, सिर्फ 25,000 कमाने हैं? अपनी फैमिली और अपने फैमिली बिजनेस के हेल्प के बिना। क्या हुआ, डर गए? हमें पता था आपसे नहीं हो पाएगा, तो लेट इट गो। चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड, तो ठीक है फिर आज से आपके पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में अगर आपने हमें 25,000 कमा के दिखा दिए तो हम मान जाएंगे कि आप में वाकई में कुछ बात है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। अभी ने चैलेंज दिया मुझे। और तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? तो और क्या करता मैं? पॉसिबल स्टूपिड तू होगा, कोई लड़की मुझे चैलेंज कर रहा है मैं एक्सेप्ट ना करूं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तेरे लिए 25,000 कमाने। कोई तो तरीका होगा, कोई रास्ता। देख भाई तुझे ना सिर्फ 2 ही काम आते हैं, बॉडी बनाना और लड़कियां पटाना, और अनफॉर्चुनेटली ना भाई इन दोनों कामों में पैसे नहीं मिलते। जब भी मैंने तुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया, मुझे डिस्करेज करने के लिए नहीं, कोई प्लान बता। भाई काश ना तेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता जिसमें दिमाग या जबान की नहीं हाथों की जरूरत पड़ती, जैसे कारपेंटरी, पेंटिंग या प्लंबिंग। अरे गार्डन का नल लीक कर रहा है, कितना पानी ऐसे ही बह रहा है, जल्दी से प्लंबर को बुलाओ। जी दादी। प्लंबर? तू? ऑब्वियसली। अरे रूडी बाबा, प्लम्बर को फोन करना है। नल ठीक करना है ना, हो जाएगा। कैसे होगा? मैं ठीक करूंगा। आप? नहीं नहीं आपकी बस की नहीं है। एक मिनट, तुम लोग मेरे से चैलेंज खेल रहे हो क्या? देख एक चैलेंज मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ठीक कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू जा। लेकिन सर खन्ना तू जा। रूडी बाबा खन्ना तू जा। ऑर्डर। देखा तूने सब लोग मुझे कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं।
रूडी मेरी जान, उदास नहीं हो, यही मौका है, जा सबको गलत साबित कर दे, सबको बता दे तू ही असली फौलादी इंसान है भाई, जा गो फॉर इट। यस जा रहा हूँ यार, लव यू मेरी जान। गहराई नापनी हो तो पानी में उतरना ही पड़ता है। ओह सॉरी हाँ। मेरी ड्रेस तो मत गंदी कीजिए ना। और जो मेरी उसका क्या? आपने ड्रेस पहनी हुई है? मेरा मतलब कपड़े था। हाँ ये सब छोड़िए। कहावत अच्छी बोली आपने, पर एक बात बता दूँ, यहाँ पे कोई समंदर नहीं है। I know. पर हाँ तालाब जरूर बन जाएगा अगर ये नलका ठीक नहीं हुआ तो। हाँ वो तो हम देख ही रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सॉरी शायद आपने ध्यान से देखा नहीं, मैं नलका ठीक कर रहा था। आप नलका ठीक करेंगे? मतलब आप ठीक तो नहीं कर रहे थे, आई थिंक आप सोच रहे थे, पर आपसे ना हो पाएगा। मेरे से होगा, मैं ही नलका ठीक करूंगा और दादी से मुंह मांगी कीमत भी लूंगा। Are you sure? I mean, आपको पता भी है उसके लिए आपको इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा और ये इतनी गंदगी, और आप तेरे रॉय खानदान की स्पॉइल ब्रैट फौलादी हैं आप तो, आप कहाँ इस कीचड़ में उतरेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस कीचड़ में उतरूंगा अभी और ये नलका ठीक भी करूंगा। Are you sure? 125% sure. आपको हमारी ACP भव्या की कुछ हेल्प चाहिए? आपने थोड़ी देर पहले मुझे फौलादी कहा था, और फौलाद को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, मैं कर लूंगा।